Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please like and subscribe the YouTube channel of Bizmax TV and keep following. Ji, movie ke bare mein ye bataunga ki Kaaf Kangana is an intense love story aur honestly ye ek aisi kahani hai, ek love story jo ki 1947 se start hoke aaj ke daur mein aati hai. Aur secondly जैसे अभी बहुत से लोग बात करेंगे जी कश्मीर पे बहुत डिस्कस कर रहे हैं तो एक फैक्ट है यार जब भी आप इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे तो कश्मीर का जिक्र आएगा ही आएगा और आजकल जो इंटरनेशनल फोरम्स पे भी कश्मीर की डिस्कशन चल रही है तो हम फिल्म में क्यों नहीं कर सकते डिस्कस ठीक है तो इसको एज अ लव स्टोरी देखें सिनेमा में आए इसको देखें क्योंकि बींग पाकिस्तानी वी आर पीस लविंग नेशन हम अमन की बात करते हैं मोहब्बत की बात करते हैं जब तक सामने वाला भी मोहब्बत से बात करें सो आई थिंक सिर्फ एक दो चीज़ों पे आप जजमेंट पास ना करें आप सिनेमा में आएं देखें और फिर फीडबैक से आगाह करें ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने बहुत मेहनत से बनाई है खलील साहब की पूरी टीम की बहुत मेहनत है एंड एक दफ़ा आप लोग आएंगे सिनेमा तो यू विल गेट हुक्ड इंशाल्लाह एंड यू लव इट मज़े की बात यह है कि मैंने जब वापसी के लिए पहली फिल्म जो साइन की थी ना वो काफ कंगना ही थी इतना अच्छा स्क्रिप्ट था इतना अच्छा कॉन्टेंट था कि आई वॉन्टेड दिस टू बी माई कमबैक लेकिन वो थोड़ी डिलेज हुई उसमें कुछ मेरा भी था मेरी तबीयत ख़राब थी खलील साहब ने मैनेज किया काफ़ी मुझे बहुत सपोर्ट की तो उसके बाद रॉन्ग नंबर टू पहले आ गया लेकिन काफ कंगना एक डिफरेंट जॉनरा है इट्स एन इंटेंस लव स्टोरी तो इसका तो मसलन जब किसी प्रोजेक्ट में खलील साहब का नाम आता है उनके डायलॉग्स चीज़ें तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है बिकॉज दैट्स द वे ही राइट्स तो इट्स एन इंटेंस प्रोजेक्ट विद वेरी गुड डायलॉग्स एंड अ वेरी गुड मैसेज आई थिंक सब बहुत अच्छे हैं देखिए इस फिल्म के अंदर जो बाकी जो लोग हैं जैसे आयशा उमर हैं साजिद हसन फिजा अली राशिद महमूद बहुत से लोग हैं वो तो सब पहले काम करते रहे हैं लेकिन जो नए लोग हैं वो उसमें आबी खान ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब देन इशाल पे बहुत ज़्यादा लोड था बिकॉज शी इज़ प्लेइंग द मेन लीड शी इज़ प्लेइंग द कंगना द टाइटल रोल ऑफ द फिल्म तो आई थिंक उनकी बहुत एफर्ट उनको करनी पड़ी है क्योंकि उन्होंने बहुत डेडिकेशन से काम भी किया है उन्होंने बिल्कुल टेलीविजन और मॉडलिंग छोड़ दी सिर्फ फिल्म पे फोकस किया तो आई थिंक उनकी बहुत एफर्ट है मैंने कतन ऐसे कोई बड़े अल्फाज नहीं बोले कि मैं फिल्म के बाद टीवी नहीं करूँगा देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान में इंडो पाक में चीज़ें रह चुकी हैं हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर कि एक्टर फिल्म टीवी अलग अलग करते हैं इंटरनेशनली अगर आप देखें तो हॉलीवुड के अंदर एक एक्टर थिएटर भी करता है वो फिल्म भी करता है वो टीवी भी करता है वो वेब सीरीज़ भी करता है मसलन मैथ्यू मैकोनहे ऑस्कर जीतने के बाद उसने टू डिटेक्टिव्स की सीरीज़ की आपका हेनरी कैवल बीइंग अ सुपरमैन ही इज़ डूइंग सीरीज़ फॉर टेलीविजन तो आई थिंक एज एन एक्टर आपको जहाँ अच्छा कॉन्टेंट मिले आपको काम करना चाहिए ऑडियंस के लिए मैसेज यही है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह 25 अक्टूबर 2019 को हम सबकी मेहनत एक बहुत प्यारी फिल्म जो हमने बहुत मेहनत से बनाई है काफ कंगना सिनेमा में रिलीज होने जा रही है इट्स रिटन एंड डायरेक्टेड बाय खलील रहमान कमर सो प्लीज़ गो टू सिनेमास एंड वॉच काफ कंगना और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिए थैंक यू एंड लव यू ऑल दिस इज माई फर्स्ट मूवी एज अ डायरेक्टर सब्जेक्ट विच केम टू मी जैसे आमद होती है ना शायद मैं उन दिनों कोई ऐसा वाक़या हुआ था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मुझे अक्सर बुरा लगता है जब इंडिया पाकिस्तान में टेंशन्स होती हैं और दो मुल्क मासेस की इकोनॉमिक पावर के अगेंस्ट एक दूसरे से टकराते हैं और नुकसान होता है तो मुझे दुख होता है कि एक ही ज़बान बोलने वाले एक ही आलमोस्ट एक जैसी शक्लों के लोग इतनी नफरतों के साथ क्यों जिंदगी बीच में हुई थी रॉन्ग नंबर टू जो है उस वक्त तो ये फिल्म आलमोस्ट 90% डन थी जब ये फिल्म करने के लिए गया था तो मुझे द सीजन एक्टर तो आई वॉन्टेड पर्सनली टू वर्क विद ऑडियंस को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमेशा उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया मेरे स्क्रिप्ट को उन्होंने पसंदीदगी के उस बाम पर पहुँचाया मैं उनको गारंटी करता हूँ अगेन अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट एंड आई अश्योर यू अ वेल डायरेक्टेड स्क्रिप्ट यू विल लव इट कम एंड वॉच इट Say anything for it or against it when you have watched it. It's a beautiful film.
Assalamu alaikum ji, this is Ishal Fayaz and this is a special shout out to Bizmax, and do go on YouTube and subscribe their channel. And we are here at the Media Junket. Please do go and watch our film because it has a message in it. I won't say I'm not saying this because I did this film. I'm saying this because it has a lot of messages in it, not only one, but it has a lot of messages about Kashmir, about an intense love story, about friendship. So do go and watch our film. Thank you.